तो वापस सब लोगों का स्वागत है पैल वर्ल्ड की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और भाई पिछले एपिसोड में मैंने फ्रॉस्टेलियन और जेट ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा इजीली पकड़ लिया था, और इस एपिसोड में आज हम पकड़ने वाले हैं पैलेडियस को। तो सीधा चलते अपनी पैल वर्ल्ड की सुहानी सी दुनिया के अंदर। तो भाई पिछले एपिसोड में फ्रॉस्टेलियन और जेट ड्रैगन को पकड़ने के बाद मेरे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं सोच रहा हूँ सीधा अब पैलेडियस को पकड़ा जाए। भाई बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है उसको पकड़ना। सीधा लेके जाऊंगा मैं अपना पैल डेक, वहां पे रखूंगा सारे पोकेमोन अपने, छोड़ दूंगा और उस पैलेडियस की धज्जी। और भाई आप लोग को एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, मैंने बना ली है जेट ड्रैगन की सैडल। और भाई जेट ड्रैगन की सैडल इतनी ज्यादा ओपी है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। भाई ये रहा मेरा जेट ड्रैगन जिसको मैंने पिछले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा इजीली पकड़ लिया था। जैसे कि आप लोगों को याद होगा जब मैं मर गया था, मतलब मेरे मरने के बाद जो बॉल थी ना उसके अंदर वो आ गया था और वो बॉल मेरी थी, तो मेरे अंदर आ गया भाई। बहुत ही ज्यादा क्रेजी सीन हो गया था भाई उस टाइम तो। और भाई ये रहा वो जेट ड्रैगन मेरे पास, और मैंने इसकी सैडल बना ली है जिसकी मदद से भाई मैं इतनी ज्यादा स्पीड में चल पा तो भाई ये लेट्स गो शिफ्ट दबा के तो भाई और ज्यादा तेज उड़ पा रहा हूं भाई मैं। इससे बढ़िया पोकेमोन शायद ही है इस गेम के अंदर भाई, इतना ज्यादा ओपी है भाई। तो भाई इस जेट ड्रैगन के ऊपर उड़ते उड़ते ही सीधा चलते हैं उस पैलेडियस को पकड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं अपना बेस बनाने के लिए। मेरे को पत्थर वत्थर चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ से थोड़े से पैलियम फ्रेगमेंट ले लेता हूँ, और स्टोन उधर होना चाहिए शायद से। भाई इधर ये 1000 स्टोन, लेकिन मेरे को 1000 स्टोन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे को बस इसके अंदर से 10 स्टोन चाहिए बस मेरे को एक पैल बेस बनाने उधर। तो सीधा चलते हैं भाई उस पैलेडियस को पकड़ने के लिए। मेरे पास सारी तैयारी, मेरे पास केक भी है, मेरे को रॉकेट लॉन्चर चाहिए। और शिट, क्या मैं इन 4 रॉकेट लॉन्चर से ही उसको पकड़ पाऊंगा? अब यार और भी तो है मेरे पास, ये असॉल्ट राइफल की भी गोलियां हैं, लाइक इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला उसको पकड़ना। मेरे को रॉकेट लॉन्चर की जरूरत नहीं उसको पकड़ने के लिए, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है मेरे पास। ओके तो भाई मैंने सारी की सारी तैयारी कर ली है। मैं अपना ना ये वाला आर्मर भी ले लेता हूँ, पैल मेटल आर्मर भी मैंने ले लिया है। सारे वेपन है मेरे पास, मेरे सारे पोकेमोन्स है। सीधा चलते हैं उस पैलेडियस को पकड़ने के लिए। अरे 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 सप्लाई ड्रॉप आई है इधर आसपास कहीं पे, सप्लाई ड्रॉप आ रही है। देखो वो देखो वो देखो वो देखो, और धमाके से सप्लाई ड्रॉप उधर गिर चुकी है। ओके सप्लाई ड्रॉप में लेट्स सी क्या आया है। ये सप्लाई ड्रॉप है कहाँ? ये रही सप्लाई ड्रॉप। एक काम करता हूँ मैं अपने जेट ड्रैगन को ही लड़ने देता हूँ इन लोगों से। भाई लो भाई, एक ही फटके में मेरे जेट ड्रैगन ने इन लोगों की धज्जी उड़ा दी भाई। सीरियसली लेट्स गो भाई, लेट्स गो। बहुत ही ज्यादा ओपी है भाई ये जेट ड्रैगन। आजा भाई जेट ड्रैगन, आजा भाई, इतना नहीं लड़ना भाई जेट ड्रैगन। अभी पिछले एपिसोड में तेरे को पकड़ के लाया हूं, अब मेरे को तेरे से इतनी ज्यादा मजदूरी नहीं करवानी है भाई। इन छोटे मोटे लोगों को मारने की जरूरत नहीं है भाई जेट ड्रैगन आपको। सर आप पैलेडियस को मारना सीधा। ये पैलेडियस है कहां? लेकिन खुले मैदान में हो यार ये पैलेडियस। ओ ये रहा, अबे ये क्या जो ग्रीन सा चमक रहा है? अबे नहीं ये तो कुछ और है। ये पैलेडियस किधर है? पैलेडियस, ओए अबे तो दो-दो बंदे हैं। ओ नो ये तो दो-दो बंदे हैं। अबे मेरे को तो लग रहा है अबे मैप में तो एक ही बंदा है। ये दो-दो भाई, ये दो-दो तो मेरी धज्जी उड़ा देंगे। और मेरे पास तो रॉकेट लॉन्चर भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। अबे ये अभी पागल वागल है क्या? पीछे से आके मार रहे हैं। एनिमीज इनको मार। ओए अबे रॉकेट लॉन्चर फेंक रहा है, इसको पकड़ो। साते सुसरे तेरी तो ऐसी की तैसी। मेरे को तेरी गोलियां चाहिए रॉकेट लॉन्चर की, मेरे को तेरी रॉकेट लॉन्चर की गोलियां चाहिए भाई। जल्दी से अपनी रॉकेट लॉन्चर की गोलियां दे। कितनी? अबे एक ही एमओ है गरीब आदमी। अबे एनिमीज इनको मारना, मेरे को मारने की। ओए एक और रॉकेट लॉन्चर वाला बंदा, इससे भी मेरे को एक गोली मिल जाएगी। लेट्स गो। ओके एक गोली इससे मिल चुकी है मेरे को। ओके अब आ जाए एनिमीज इधर, आजा। अब चलते हैं सीधा इस पैलेडियस को मारने के लिए। उससे पहले हम यहाँ पे अपना बेस सेट कर लेते हैं। इतनी पास उनके तो ये बेस सेट नहीं कर पाऊंगा मैं, तो मेरे को थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा उनसे अपना बेस सेट करने के लिए। बस भाई यहाँ पे तो करने दो, ये तो बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूं मैं उनसे। अबे बड़े अजीब है भाई ये लोग। ओके तो भाई मेरे को यहाँ पे शायद से मैं अपना बेस सेट कर सकता हूँ। भाई यहाँ पे भी नहीं कर सकता मैं अपना बेस सेट। अबे अब तो दिख भी नहीं रहे भाई यहाँ से वो लोग, अब तो यहाँ पे करने दो। अबे यहाँ पे भी नहीं करने दे रहे भाई, क्या अजीब लोग हैं ये। भाई मेरे को कहीं और ही देखना पड़ेगा अपना बेस सेट करने के लिए। और अगर मैं अपना बेस सेट नहीं कर पाया फिर तो भाई मुश्किल हो जाएगा इन लोगों को मारना। मैं उस चट्टान के पास चल के देखता हूँ, क्या पता वहाँ पे मैं अपना बेस सेट कर पाऊँ। एक काम करते हैं जेट ड्रैगन को पकड़ते हैं। ओए स्कल क्रशर, इसको मैं बताऊं भाई धमाका कर देता हूं इन लोगों पे पूरा का पूरा। ये लो भाई ये सिंडिकेट क्रशर तो उड़ चुका है पूरा। ये लोग मोटा आदमी, अबे मेरे को मार रहे भाई ये। एक काम करता हूँ भाई जेट ड्रैगन तू ही मार, इनको खुद ही मार, मेरे को आने की जरूरत भी ना पड़े, इतना पेल दे इन लोगों को। अबे मेरे जेट ड्रैगन को मार रहे भाई मोटे आदमी, छोड़ उसको। ये देखो कैसे फुदकता हो गया है भाई ये बंदा। ओके तो भाई मेरे को लगता है यहाँ पे तो मैं अपना बेस सेट कर पाऊँ। काश अबे इतनी दूर भी नहीं कर पा रहा भाई, अब तो बहुत ही ज्यादा दूर मैं उन लोगों से। भाई ये जेट ड्रैगन बिन मतलब इन लोगों से क्यों लड़ रहा है? अबे मैं ये बेस सेट इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि जहाँ पे मैंने जेट ड्रैगन को मारा था वहाँ का बेस मैंने अब तक उठाया ही नहीं है। बिग ब्रेन है ना भाई, कितना बड़ा मेरा, कितना ही बड़ा गधा हूँ भाई मैं, सीरियसली बता रहा हूँ कितना ही बड़ा गधा हूँ।
वो तो शुक्र है मेरे पास जेटर आएगा नहीं, ये काम मैं 5 सेकंड के अंदर ही कर सकता हूँ, वरना था भाई मेरे को इधर उधर ट्रैवलिंग करने में घंटों लग जाते। अब मैं सीधा जाऊंगा उधर, वहां से अपना बेस उठाऊंगा और सीधा पैलेडियस और नेक्रोमस जो भी उसका नाम है उन पे हमला करूंगा। ओके अपना बेस यहाँ से उठा लो। जेट ड्रैगन आ जाओ, जेट ड्रैगन चलो भाई यहाँ से, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मैं गर्म वाले कपड़े पहन लेता हूँ, काम करता हूँ। भाई ये जेट ड्रैगन से ट्रैवलिंग तो भाई सीरियसली बहुत ही ज्यादा इजी हो चुकी है भाई। मतलब आप लोग मेरे को बोल रहे थे कि फेलेरिस बनाओ, फेलेरिस के सैडल बनाओ, लेकिन भाई फेलेरिस क्यों, जब मेरे पास जेट ड्रैगन है तो फेलेरिस की क्या जरूरत है। भाई ये जेट ड्रैगन यूज करते टाइम तो ऐसा लग रहा है भाई गेम हैक ही कर लिया भाई मैंने। ऑल राइट, ये पैलेडियस और एक और बंदा जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था, मेरे को लगा बस एक ही बंदा होगा उधर, लेकिन भाई दो दो बंदे थे उधर। तो कहां ये लोग, उधर है, यही तो होना चाहिए, अब यही होने चाहिए वो दोनों के दोनों। अबे कहां सोने चले गए क्या, पैलेडियस नेक्रोमास हेलो कहां पर हो। अबे दोनों उनके इलाके में तो खड़ा हूं मैं, एक काम करो अपना अरे अरे अब मेरे पे हमला मत करना भैया, भैया भैया रुक जाओ भैया, भैया मैं मजाक कर रहा था भैया, भैया अभी 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 नहीं भैया, अभी नहीं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक दो, मेरे को बस अपना बेस सेट करने दो। ओके क्या मैं यहाँ पे अपना बेस सेट कर सकता हूँ, अच्छा टू क्लोज आ गया, यहाँ पे टू क्लोज लिखा आ चुका है, हाँ यहाँ पे मैं अपना बेस सेट कर सकता हूँ, लेट्स गो। यहाँ पे मैंने अपना बेस सेट कर दिया है, मेरा बेस ये रहा, और ये लोग कहाँ हैं, ये रे। ओके मेरे बेस के बहुत ही ज्यादा करीब हैं ये लोग, तो मेरे को इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं इन सिंडिकेट क्रशर को मार देता हूँ, वरना ये ना बीच बीच में आके मेरे को इरिटेट करने लग जाएंगे, तो उससे पहले ही मैं इन लोगों को मार देता हूँ। एनोविस जा मार दे, एनोविस एनोविस जा मार, एनोविस जा मार। ओ भाई एनोविस ने क्या खतरनाक सा हमला करा भाई, ओए उन दोनों ने मेरे को मारना चालू कर दिया क्या, अरे भागो भागो अभी नहीं, मेरे को पहले अपने बंदे तो निकालने दो, नहीं भाई अभी नहीं अभी नहीं भैया, अभी रुक जाओ भैया, मेरे बेस से बाहर जाओ भैया। ओके भाई मेरे को पहले अपनी फौज खड़ी करने दो यहाँ पे ओपीओ भी पोकेमॉन्स की, तब आके लड़ना तुम लोग, तुम तो भाई पहले ही आके खड़े हो गए मेरे पास। शायद से मैंने कुछ पोकेमॉन्स को ना बेस पे भी लगा रखा है, जैसे हाँ यार मैं ना जॉर्मुंडाइड को ना, दोनों जॉर्मुंडाइड को ना बेस से उठा लेता हूँ इधर, क्योंकि बेस पे उनका कुछ भी काम नहीं है फिलहाल। तो भाई इस गेम के शायद से मेन विलेन है ये लोग, इन लोगों को मारना ही सबसे ज्यादा खतरनाक काम है, तो मैं जल्दी से सारे लोग यहाँ से उतार लेता हूँ और अपनी एस्ट्रागन, अपने एस्ट्रागन भी छोड़ दूंगा भाई। ओके तो भाई सीधा चलते हैं अपने नए वाले बेस पर। ओके मैंने अपनी फौज इधर खड़ी कर ली है और मैं पैलेडियस से हमले कर सकता हूँ। अरे गेल क्लॉक है मेरा, हाँ गेल क्लो भाई गेल क्लो, तू तो है जा, तू मत जा उधर, तेरे को तो चुटकियों में पेल देंगे वो लोग। गेल क्लो को मैंने उठा लिया है यहाँ पे और जेट ड्रैगन के ऊपर मैं चढ़ गया हूँ। ये रे दोनों एनिमी और वो रही मेरी पूरी की पूरी मंडली, लेट्स गो भाई इनसे करते हैं अब अपन लोग फाइट। अरे मेरे हथियार कहाँ है, अबे जेट ड्रैगन पे बैठ के मैं अपने वेपन नहीं यूज कर सकता क्या, शिट। ओके अपनी फायरबॉल छोड़ देता हूँ मैं इनके ऊपर। ओके तो भाई हमला चालू कर दिया है मैंने इन दोनों के ऊपर, अब ये मेरे पास लड़ने आते ही होंगे। अरे जेट ड्रैगन की बहुत ज्यादा एचपी खा गया बंदा, आज पहले मेरे को ने इनको अपने बेस के पास बुलाना है भाई, इतनी दूर मेरे को इनसे फाइट नहीं करनी है, मेरे बेस के पास आओ, मेरे बेस के पास आओ, मैं जेट ड्रैगन को भाई खाना खिलाते रहूंगा बीच में, बहुत सारा सारे केक खत्म कर दूंगा आज अपने, लेकिन इन लोगों से जीत के ही रहूंगा। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरी मंडली तुम्हारा इंतजार कर रही है, ये देखो इतने सारे पोकेमॉन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हें पीटने के लिए, जल्दी से मेरे सर्कल के अंदर आ जाओ। ओके सारे के सारे पोकेमॉन मेरे एक्टिवेट हो चुके हैं और ये दोनों भाग गए क्या, अबे भाग गए डरपोक कहीं के भाई, क्या डरपोक है भाई ये लोग। अबे भाई ये दोनों के दोनों भाई बेस पे आओ ना मेरे, क्या कर रहे हो, आजा आ गया भाई, मारो उसको, आ गया अंदर आ गया, आक्रमण मारो सबके सब इसको पकड़ के। नेक्रोमस तो गया काम से, नेक्रोमस तो आज गया काम से, नेक्रोमस तो आज गया काम से भाई, देखो क्या ही कैसे ही मारे मेरे पोकेमॉन इसको भाई, पकड़ भाई क्या धमाके कर दिए भाई, मेरे को तो बंदा दिख भी नहीं रहा है कहां ये भाई, मेरे को जल्दी से जल्दी इसको पकड़ना पड़ेगा भाई, मैंने अपने बेस के पास जा रहा हूँ। ओके इसकी जैसे ही 2000 हो जाएगी एचपी, वैसे ही मैं अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स को वापस बुला लूंगा और इसको कैच कर लूंगा। ये रहा नेक्रोमस, देखो भाग रहे तेरी तो भाई, नेक्रोमस को मैं पकड़ सकता हूँ भाई, लेट्स गो। ये है कहाँ भाई, पूरा का पूरा मत मार देना भाई बस इसको, वो देखो भाग रहे, भाग कैसे रहे बे? नेक्रोमस कौन सा है इन दोनों में से भाई, मेरे सारी की सारी टीम इधर इंतजार कर रही है तुम्हारा, तुम यहाँ पे जंग के मैदान को छोड़ के कहाँ खड़े हो, अबे आना मेरे पास आ, तेरे से डर नहीं रहा हूँ नूबड़े, इधर आ इधर आ इधर आ भाई, मेरे पास ही नहीं आ रहा है बंदा, आजा 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 आजा, और पास आ और पास आ और पास आ, अरे जेट ड्रैगन को पेल दिया, अरे जेट ड्रैगन को पेल दिया, जेट ड्रैगन को पेल दिया, अबे पास आना मेरे बेस के पास आ, जल्दी से आजा तेरी तो भाई, इतने सारे धमाके कर दिए मैंने इसके ऊपर, लेट्स गो। ओए एक भी धमाका नहीं लगा इसको, नो वे। ओके ओके आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा मेरे बेस के अंदर आजा बस, तू भाग क्यों रहा है भाई, अबे हील बढ़ा रहा अपनी हेल्थ बढ़ा रहा है, मेरे पास आजा मेरे पास, इधर 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 हूं मैं, इधर हूं, अरे मैं तो अटक गया इधर, अरे मैं इसके अंदर अटक गया भाई, इधर इधर इधर, अरे भाई क्या फायरबॉल छोड़ रहा भाई बंदा, आजा इधर आजा, अबे आना तेरे से डरता नहीं हूं ना तेरी फायरबॉल से डरता हूं, जल्दी आ मेरे बेस के अंदर, तेरे को ठिकाने लगाने मेरे को, आ आजा आजा पास आजा पास आजा पास आजा पास आजा, बस आ गया बस आ गया बस आ गया,
ओए गर्मी लगी मेरे को, नहीं गर्मी लगी मेरे को, शिट शिट गर्मी बुझाओ गर्मी बुझाओ गर्मी बुझाओ गर्मी बुझाओ। अबे तो कायरों की तरह भाग रहे भाई, मैं मर गया मैं मर गया। अबे यार ओके ओके ओके, इसकी हेल्थ अभी भी उतनी ही है, इसकी हेल्थ अभी भी उतनी ही है। इधर आ इधर आ इधर आ, ये भाई मेरे बेस के अंदर नहीं आ रहा यार, लेजिट मेरे बेस के अंदर नहीं आ रहा भाई ये बंदा। मेरे सारे पोकेमोन मारे इसको, मारे उसको पकड़ के, मेरे पोकेमोन्स मार क्यों नहीं रहे इसको। जेट ड्रैगन जल्दी ऊपर चल, जेट ड्रैगन मार मत, मारो उसको सब के सब मारो उसको। अरे मेरे सारे के सारे पोकेमोन क्या कर रहे हैं, इसको मार क्यों नहीं रहे हैं। मैं इसके ऊपर अपनी पैल बॉल छोड़ के देखूं क्या, ये गया कहां, ये रहा। अरे अरे भाई पैल स्वेयर मेरी डॉज कर रहा भाई बंदा, भाई मेरी पैल स्वेयर डॉज कर रहा भाई ये। ओके भाई क्या अटैक कर रहा भाई क्यूवरन बोटान ने, लेट्स गो भाई। डोजन भी क्या तगड़ा अटैक कर रहा है इसके ऊपर, लेट्स गो। मैं भी बहुत तगड़े तगड़े अटैक्स करता हूं इसके ऊपर, फायर बॉल से इस पे हमला करता हूं अब। ओके जला दिया मैंने इसको, इसके ऊपर मैं पैल स्वेयर फेंकता रहूंगा। ओके अब कैप्चर हो रहा है ये, धीरे धीरे करके कैप्चर हो रहा है ये। भाग रहे भाग रहे, भागने मत दो इसको, देखो भाग गया तेरी तो ऐसी की तैसी। भाग कहाँ है बे, हैं भाग कहाँ है ये बताइयो। मेरे जेट ड्रैगन को खाना खिलाओ, जेट ड्रैगन और खुद को खाना खिलाओ। अबे स्कल क्रशर क्यों मार रहे हैं मेरे को, अबे स्कल क्रशर पागल वागल हो गया क्या। ओके फ्रॉस्ट्रेलियन ने हमला करना चालू कर दिया इसके ऊपर, ऑलराइट मेरे सारे पोकेमॉन्स इसके ऊपर हमला कर रहे हैं अब। बस मैं इसको मरने नहीं देना भाई, पूरा का पूरा नहीं मरने देना बस। ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई, हो सकता है भाई पकड़ा जा सकता है ये। ओए क्या हो गया, कहाँ भाग रहा है, अबे भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, भागने नहीं देना इसको, भागने नहीं देना इसको, ऐसे कैसे भागेगा। रात हो गई भाई, रात हो गई भाई, लिटरली रात हो चुकी है। लेट्स गो भाई लेट्स गो, मैं इसको पकड़ सकता हूँ भाई, पकड़ सकता हूँ मैं इसको। मेरे को एक बार और अपना सी वाला अटैक करना पड़ेगा इसके ऊपर। अबे ये स्कल क्रशर मेरे को मत मार भाई। अबे यार एक तो अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है। ओके बीम कनेक्ट आ चुकी है मेरी, बीम कनेक्ट आ चुकी है। इसको मैं पहले ये फेंकता हूँ, फिर उसके ऊपर बीम कनेक्ट करूंगा। लेट्स गो लेट्स गो, 1000 से कम इसकी एचपी हो चुकी है अब। अब मैं इसको पकड़ सकता हूँ। ओके क्या मैं इसको पकड़ पाऊंगा, क्या ये नेक्रोमेंसर सब पैलेडियस जो भी इसका नाम है मेरी पैल्सवेयर के अंदर आ पाएगा। मेरे को रिंग ऑफ मर्सी पहननी पड़ेगी, रिंग ऑफ मर्सी मैंने पहन रखी है नहीं। अबे यार मेरे जेट ड्रैगन की हेल्थ खत्म कर दी भाई इस बंदे ने। अबे भाई ये स्कल क्रशर क्यों मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, इनसे क्या दुश्मनी है भाई मेरी, और ये नेक्रोमस आ क्यों नहीं रहा भाई। अबे ठंड लग रही है मेरे को, ठंड वाले कपड़े पहन लो। नेक्रोमस तू इधर आजा, तू इधर आजा, तेरे से मैं कोपचे में लड़ूंगा, आजा इधर आजा। ओके नेक्रोमस ऑलमोस्ट मरने वाला भाई, अब तो आ जा मेरी पैल्सवेयर के अंदर। भाई इसकी एचपी 200 है बस भाई, नेक्रोमस पूरा ना मर जाए भाई, मेरे को बस ये डर है ये नेक्रोमस बस पूरा ना मर जाए यार भाई। 116 इसकी हेल्थ है बस, बस मैं नहीं चाहता ये पूरा का पूरा मरे। क्या हम इन दोनों को अलग अलग नहीं पकड़ सकते। अबे यार ये बंदा तो मेरी बॉल के अंदर आ ही नहीं रहा है, और ये स्कल क्रशर और गधे का बच्चा मेरे को इतनी दूर से मारे जा रहे बार बार। ओके उसका दोस्त भी आ चुका है इधर, और ये स्कल क्रशरों ने भी मेरे पर हमला कर दिया भाई, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। अबे नेक्रोमस कहां चले गया। अबे यार एक तो अंधेरा हो चुका है इधर इतना, ये गधे के बच्चे और मेरे को मारे जा रहे हैं, मेरे को दिन ही कराना पड़ेगा भाई, मेरे को दिन ही कराना पड़ेगा। इतनी मुश्किल से मैंने उसकी एचपी इतनी ज्यादा कम कर दी थी, रात के अंधेरे में एक तो कुछ दिख भी नहीं रहा था, अब उसकी एचपी फुल हो जाएगी। ओके तो भाई फाइनली सुबह हो चुकी है, अब देखते हैं क्या उसकी हेल्थ उतनी ही है या उसकी हेल्थ बढ़ चुकी है। इनकी हेल्थ, अबे यार इनकी हेल्थ फुल हो गई यार।